स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे हैं एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की डेंसिटी को हम किस तरह से मालूम करते हैं, हमने ये देखना है कि हम किस तरह से जनरल गैस इक्वेशन को यूज करके हम आइडियल गैस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की डेंसिटी देखें, हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करना है हमने, और जनरल गैस इक्वेशन को यूज करके हमने आइडियल गैस की डेंसिटी को फाइंड करना है। वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम आइडियल गैस की डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, जनरल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन। अब इसी जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम किस तरह से एक आइडियल गैस की डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे गौर करें, यहां पे आ गया एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। अब किसी भी चीज का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो हमेशा किस चीज के बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, उस सब्सटेंस का गिवन मास और उसका मोलर मास, ये हमेशा एन की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ मोल्स। एन से मुराद है यहां पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है एम ओवर एम, गिवन मास ओवर मोलर मास। अब यहां से हम अगर एन की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में या जनरल गैस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? पीवी इज इक्वल टू एन की जगह अब मैं क्या पुट कर रहा हूं? एम ओवर एम, एम ओवर एम आर टी, मेरे पास ये इक्वेशन आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूंगा कि मैं यहां से एम को निकालकर इस साइड पे लेके आऊंगा और वी को यहां से इधर, यानी कि इनको क्रॉस एक्सचेंज करवाएंगे। ये यहां पे डिवाइड हो रहा है तो यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, और ये वॉल्यूम वी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे आके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी, ये इक्वेशन मेरे पास आएगा। अब देखें, एम ओवर वी मास बटे वॉल्यूम हमेशा किस चीज के बराबर है? डेंसिटी के बराबर होता है। मास बटे वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये मेरे पास डेंसिटी आ गया। तो अब इस एम ओवर वी की वैल्यू, यानी डी को यहां से एम ओवर वी की वैल्यू मैं यहां से उठा के इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी की जगह मैं क्या पुट करूंगा? डी आर टी। अच्छा जी, अब देखें इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम डेंसिटी जो है मालूम कर सकते हैं। अब मेरे पास डेंसिटी क्या आएगा? डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो ये मेरे पास आइडियल गैस की डेंसिटी को मालूम करने का फार्मूला आ जाता है। तो ये फार्मूला हम कहां से लेके आए हैं? हमने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम गैस की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन पे गौर करें, यानी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको नाम दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर, ये क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हमें कोई रिलेशनशिप बता रहा है, डेंसिटी का रिलेशनशिप हमें बता रहा है गैस की प्रेशर के साथ और मोलर मास के साथ और टेम्परेचर के साथ। तो इस इक्वेशन से क्या
मालूम होता है कि डेंसिटी जो है, किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर दैट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू इट्स मोलर मास. मोलर मास यानी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड अप्लाइड प्रेशर, और जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, अप्लाइड प्रेशर और जो प्रेशर लगा रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस की टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब रीजन क्या है, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या क्यों है. देखें, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, गैस की वॉल्यूम के ऊपर. यानी इस इक्वेशन से हमें क्या लग रहा है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस की वॉल्यूम के. ये एक जनरल रूल है, जब हम गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो जाएंगे, करीब करीब आएंगे. गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आने की वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होना है, इंक्रीज होना है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस दी वॉल्यूम ऑफ गैस. ये देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये बॉयल्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है. बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं. जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. डिक्रीज इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, सो डेंसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज. तो गैस की जो डेंसिटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. जबकि दूसरी जानिब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 40 लॉ के मुताबिक टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी का क्या हो जाना है, कम होना है. बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर volume of gas will increase, volume of gas will increase, gas का जो volume है वो क्या करेगा, increase करेगा. ये हमें 40 लॉ के मुताबिक भी हमें पता है. increases and density, तो density क्या हो जाएगा, will decrease, तो gas की जो density है वो decrease करेगा. तो इस तरह से हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए या जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम गैस की डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं. और फिर डेंसिटी जब फाइंड करें तो डेंसिटी के रिलेशनशिप से, डेंसिटी को अगर हम देखें तो उसका जो रिलेशनशिप है वो मास, गैस के ऊपर अप्लाइड प्रेशर और टेम्परेचर सबके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा. और इस इक्वेशन से फिर ये चीजें जो है वो वाजे हो जाती हैं.